नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कदम स्वागत करता हूँ आपका ब्लॉगर हेमंत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यूट्यूब में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि जिस तरीके के ज़रिए आप अनलिमिटेड ट्रेंडिंग आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, वो भी AI की मदद से। दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप ChatGPT की मदद से अप्रूवल ले सकते हो, तो आपने बहुत सारे लोगों ने वहाँ से अप्रूवल भी ले लिया। बट बहुत सारे लोगों को दिक्कत तभी आती है जब ChatGPT से अप्रूवल भी मिल जाता है बट उस ब्लॉक पर ट्रैफिक आना बहुत मुश्किल होता है। तो वह ट्रैफिक कैसे लाए उसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो इसी वजह से मैं आज का यह वीडियो बना रहा हूँ। और यह जो मेथड है, इस मेथड पर मैंने पर्सनली 2 महीने से ज़्यादा वर्क किया है और इस पर ट्रैफिक आता है। और इसके बाद मैं आपको सारा प्रूफ भी नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊँगा, क्योंकि यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि कैसा आर्टिकल जनरेट करना है और ऊपर से इमेज भी कैसे आप AI से जनरेट कर सकते हैं। यह सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हुई है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको ये जो मेथड है, इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल में जाना है और गूगल में यहाँ पर आपको सर्च करना है WebGPT। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं WebGPT सर्च करता हूँ, यहाँ पर WebGPT एक्सटेंशन यहाँ पर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे पहला जो गूगल का सर्च रिजल्ट आएगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो ये जो क्रोम एक्सटेंशन है यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, तो इसलिए यहाँ पर मेरे को रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको गूगल पर जाना है। आपको ChatGPT तो मालूम ही होगा, तो आपको ChatGPT पर जाना है। ChatGPT पर जाने के बाद यहाँ पर आपको 2 नए ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। ये जो टॉगल बटन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 क्लिक प्रॉम्प्ट और वेब एक्सेस। हमारे जो काम का टूल है वो है वेब एक्सेस, मतलब आपको पता ही होगा ChatGPT है जो AI जनरेटेड कंटेंट लिखता है, बट उसकी भी एक लिमिट है, वो 2021 से पीछे का है आपको सजेस्ट कर पाएगा। मतलब 2021 तक की जो इन्फॉर्मेशन है वही आपको प्रोवाइड करेगा, उससे उसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो ChatGPT आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एक लूप होल है, मतलब आप जो भी आर्टिकल लिखते हैं AI जनरेटेड, वह सिर्फ 2021 के पहले आर्टिकल होते हैं। वो मतलब सारे इन्फॉर्मेटिव पोस्ट आते हैं जो ऐड होती है, मतलब जो पुराने पोस्ट होते हैं उसके ऊपर ज़्यादातर लोग AI के आर्टिकल लिखते हैं। बट मैं जो ये मेथड बताने वाला हूँ, यह आपको ट्रेंडिंग जो टॉपिक है उसके ऊपर आर्टिकल लिखने हैं, ताकि इस वजह से क्या होता है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं वो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और उस पर कंपटीशन भी स्टार्टिंग फेज़ में बहुत कम होता है। और अगर आप AI से लिखते हैं तो AI क्या करता है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उन सब ब्लॉग में से जो मेजर पार्ट होता है जिसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको देता है। तो इसका मैं आपको यहाँ पर लाइव डेमो बताता हूँ। तो सबसे पहले इस मेथड के लिए आपको गूगल ट्रेंड्स की सहायता लेनी होगी। जहाँ पर आपको गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट ओपन करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं trends.google.com, ये गूगल की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जो भी लाइव ट्रेंड है यहाँ पर आपको लाइव ट्रेंड शो होते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग नाउ इस सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रियल सर्च ट्रेंड यहाँ पर क्लिक करना है। और जो भी ट्रेंड के यहाँ पर ग्राफ ऐसा ऊपर जा रहा है ना, वह टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कौन सा भी टॉपिक आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये जो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक है इसमें से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक जो टॉपिक है यह CTET एडमिट कार्ड, यह कौन सी एग्ज़ाम है इसका एडमिट कार्ड आ गया, तो इसी वजह से यह न्यूज़ ट्रेंडिंग में है। और यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है और यह न्यूज़ सिर्फ 1 वीक के अंदर, मतलब इसका ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। अगर इस पर आप पोस्ट लिखते हैं तो बहुत कम चांस है इस पर ट्रैफिक आने का और आपकी मेहनत भी ज़ाया जा सकती है। तो इसलिए आपको ये अगर आप AI की मदद से लिखते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, CET एडमिट कार्ड यहाँ से आपको कॉपी करना है। ये जो कीवर्ड है हमारा मेन टारगेट कीवर्ड, यहाँ से आपको कॉपी करना है। ChatGPT के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करते ही यहाँ पर आपको वेब एक्सेस ऑन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो है इसको पास रिजल्ट करना है और उसके बाद गूगल सर्च पर क्लिक करना है और उसके बाद सर्च इस बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। यह सारे प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर दोस्तों, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये जो सारा टेक्स्ट है यहाँ से आपको कॉपी करना है, नहीं तो कट करना है। तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, वेब एक्सेस बंद कर देता हूँ, फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करके इस बटन पर क्लिक करूँगा,
यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 पर 2023 के ऊपर यह जो चैट जीपीटी मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको बोलूँगा यह जो इन्फॉर्मेशन इन सारी जो ट्रेंडिंग लिंक्स है वहाँ से उसने कलेक्ट किया है, तो इसको मैं बोलूँगा यहाँ पर राइट अ ब्लॉग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको बोल रहा हूँ राइट अ ब्लॉग ऑन दिस टॉपिक। जैसे मैं यह क्वेरी यहाँ पर इनपुट डालता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट जीपीटी मेरे को एक आर्टिकल जनरेट करके दे रहा है, जो आर्टिकल 2023 का एडमिट कार्ड का आर्टिकल है। तो आपको पता होगा चैट जीपीटी मतलब जो ट्रेंडिंग लेटेस्ट न्यूज़ है उसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रख दिया है। तो यहाँ पर आप अल्सो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ऐड टेबल इन पोस्ट इन, यहाँ पर आप टेबल भी ऐड करने को चैट जीपीटी को बोल सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन का टेबल ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर आपको चैट जीपीटी को बुला है। तो जैसे मैं यह बोलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर चैट जीपीटी हमें इन्फॉर्मेशन का टेबल देता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी पूरा डाउनलोड हुआ है मतलब डाउनलोडिंग की सारी प्रोसेस है ऊपर यहाँ पर दी हुई है, और उसके बाद जो डिटेल्स है एडमिट कार्ड की वो भी यहाँ पर दी गई। इसकी वजह से क्या होता है हमारे आर्टिकल रैंक होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद क्या करना है। तो यहाँ पर जैसे आपने कॉपी किया, इसके बाद कॉपी करने के बाद आपको गूगल डॉक के अंदर चले जाना है। सबसे पहले देखते कि AI डिटेक्ट कर रहा है नहीं, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ AI डिटेक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AI कंटेंट डिटेक्टर, यह जो वेबसाइट है यह वेबसाइट डिटेक्ट करती है कि वो कंटेंट चैट जीपीटी ने लिखा है या नहीं। तो यहाँ पर हमने जो आर्टिकल निकाला है चैट जीपीटी से यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाके सिंपली पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिमिट है कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर थोड़े से हम कैरेक्टर्स कम कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी लिमिट हट चुके है, और जैसे मैं एनालाइज टेक्स्ट करता हूँ ऊपर आप देख सकते हैं 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट, मतलब यह पकड़ नहीं पा रहा कि यह कंटेंट AI नहीं लिखा है, और यह पकड़ भी नहीं पाएगा क्योंकि दोस्तों यह जो कंटेंट है आप इसका थोड़ा सा लॉजिक देखिए। मैंने क्या किया, इसको मैंने जब वेब एक्सेस दिया तब वेब एक्सेस जो मैंने दिया तब मेरे क्रोम एक्सटेंशन ने क्या किया, जो अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग न्यूज़ उन सभी के आर्टिकल के ये जो URL है और URL में से जो टाइटल है ये सारे टाइटल यहाँ से उसने एक एक करके मेरे प्रॉम्प्ट में लिखिएगा। चैट GPT क्या करता है, पर्सनली इस वेबसाइट पर जाता है और इसका जो कंटेंट है उसको एनालाइज करके पूरा पैराफ्रेस करके एक यूनिक आर्टिकल आपको जनरेट करके देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा प्रॉम्प्ट है और ये चैट GPT का आंसर है। उसने ये जो पांच लिंक दिख रहे हैं इन लिंक से जो उसने जनरेट किया हुआ ये सारा इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद मैंने उसको बोला उस कॉन्टेक्ट पर मेरे को ये ब्लॉग आर्टिकल जनरेट करके दे। तो इसी वजह से दोस्तों इसके जो रैंकिंग के जो चांस होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और दोस्तों इसके बाद बात आती है कि आपको जो थंबनेल बनाना है, मतलब वेबसाइट पर आप जब पोस्ट करते हो तो उसके लिए आपको एक थंबनेल लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो CAT एडमिट कार्ड 2030 ABP न्यूज़ का ये पोस्ट है और इसका थंबनेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो थंबनेल आपको बनाने के लिए सबसे पहले designer.microsoft.com पर जाना है। यह कैनवा का एक अल्टरनेटिव है बट यहाँ पर बहुत स्पीड से इमेज जनरेट होती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आप designer.microsoft.com इस वेबसाइट पर जैसे आओगे यहाँ पर आपको जो प्रॉम्प्ट मैंने डाला है वैसा प्रॉम्प्ट डालना है, क्रिएट अ प्रोफेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव थंबनेल डिज़ाइन फॉर, मेरा जो हेडिंग है आर्टिकल का वो मैंने यहाँ पर डाला है, इंक्लूड अ लोगो, मैंने जो भी कॉन्टेक्स्ट में उसका लोगो है वो लोगो यहाँ पर AI को डालने को बोला है, और यहाँ पर मैं जनरेट इस बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं जनरेट इस बटन पर क्लिक करता हूँ विद इन 10 सेकेंड यह जो टूल है designer.microsoft.com का यह मेरे को मेरा जो आर्टिकल का जो थंबनेल है यहाँ पर थंबनेल जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको रेवलेंट थंबनेल लगे वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मेरे काम का थंबनेल है, तो यहाँ पर मैं उसको एडिट कर देता हूँ। जैसे आप कस्टमाइज डिज़ाइन इस बटन पर क्लिक करोगे तो उसके सारे जो एडिटेबल कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर आ जाएंगे। वो जो एडिटेबल कोऑर्डिनेट्स आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो सारी चीज़ें यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, ये जो सारे कोऑर्डिनेट्स है मतलब ये जो एलिमेंट है इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड चेंज करना है इसका, तो मैं बैकग्राउंड पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कैची लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो थोड़ा सा कैची कलर है तो इसलिए थोड़ा सा येलो कलर ही हम रखते हैं,
और उसके बाद इसको डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। सॉरी ये वाइट ही हो गया, बट आप कर सकते हो, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये किया है। और उसके बाद आपकी वेबसाइट पर जाके यह थंबनेल आप एआई के द्वारा जनरेट किया हुआ यूज़ कर सकते हैं, और यह एक बिल्कुल ही यूनिक थंबनेल होगा, तो इसलिए आपको इमेज का कॉपीराइट भी नहीं आएगा और आपकी पोस्ट रैंक होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो देखकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली होगी कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से ट्रेंडिंग पोस्ट पर काम करके ट्रैफिक ला सकते हैं, वह भी यूनिक पोस्ट बना के। और आशा करता हूँ दोस्तों ऐसी आपको अगर वीडियो देखने तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।